नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही नहीं समेटा होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 3 अक्टूबर को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन फिदा होकर गए। आज के दिन 1978 में हुई थी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज। ये बात बिल्कुल सच है कि 1978 में भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पर सफल परीक्षण किया था। यह खोज दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण माना जाता है। कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने पहली बार इस परीक्षण से लोगों को अवगत कराया। सुभाष ने 1978 में इस बात को सबके सामने स्वीकारा था कि उनके द्वारा किया गया पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का परीक्षण सफल रहा है। उस दौर में ऐसे किसी चीज की कल्पना करना भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ के डॉक्टर समेत बंगाल की सरकार ने भी उनके इस परीक्षण को सही नहीं बताया था। सरकार और डॉक्टर्स ने उनके परीक्षण को अवैध करार कर दिया, साथ ही उनके इस खोज को अघोषित मान लिया, जिसके बाद डॉक्टर सुभाष की इस खोज से लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। यही नहीं, उस वक्त बंगाल सरकार ने भी उन्हें बतौर डॉक्टर उनके पद से हट जाने को कहा था। इन सारी बातों से परेशान होकर आखिरकार डॉक्टर सुभाष ने 1981 में आत्महत्या कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 20 साल बाद उसी खोज को लोगों ने खूब सराहा और उनके काम को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा। टीसी कुमार आनंद जब सुभाष द्वारा की गई खोज को सबके सामने लाए तो हर कोई हैरान हो गया। तब लोगों को पता चला कि भारत ने इस खोज को कितने साल पहले जान लिया था। इतिहास में 3 अक्टूबर का दिन न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में 3 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह छुट्टी के रूप में भी मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। जर्मनी में 3 अक्टूबर को छुट्टी के रूप में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। यह 1990 में हुए जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। 19वीं सदी के मध्य में जर्मनी के एकीकरण का लक्ष्य रखा गया था, वो एक बार पुनः पूर्ण हो गया। अतः इसे न ही तो पूर्ण संघ और न ही संघ के नाम से पुकारा जाता, बल्कि इसे जर्मन एकता का नाम दिया गया। 1990 से 3 अक्टूबर को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर के दिन जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। यह संघीय जर्मन गणराज्य के लिए कानूनी रूप से छुट्टी का दिन घोषित है। 3 अक्टूबर का दिन एक विशेष महत्व रखता है, जिसके बारे में अब तक हमने आपको बताया ही है। हालांकि आज के दिन कई महानुभावों का जन्म हुआ था, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जन्म 1953 में इसी दिन हुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म 1939 में इसी दिन हुआ। वही उड़ीसा के समाज सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू का 3 अक्टूबर 1819 में जन्म हुआ। 3 अक्टूबर के दिन इतिहास में कई महानुभावों का निधन भी हुआ था, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। आज ही के दिन भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का निधन 1923 में हुआ। वही प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री आलती कृष्णा स्वामी अय्यर का निधन भी 1953 में हुआ। भारतीय लेखक एमएन विजयन का निधन 2007 में इसी दिन हुआ। हमारे दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।